प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी सामान्य कक्षा 10 के अंतर्गत प्रेम भारती द्वारा रचित अध्याय सबरी के अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है, सबरी की कुटिया में कौन आया? इसका उत्तर होगा, सबरी की कुटिया में भगवान राम और लक्ष्मण आए थे। ये आपका पहला प्रश्न हो गया। अगला हमारा प्रश्न है, स्वागत का संविधान से क्या आशय है? संविधान का अर्थ है सुविधा, मतलब स्वागत की सुविधा से क्या आशय है? तो इसका उत्तर देखिए, जब श्री राम सबरी की कुटिया पर पहुँचे तब वहाँ का प्राकृतिक वातावरण बहुत ही सुंदर था। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति ने यह समस्त व्यवस्था भगवान श्री राम के स्वागत हेतु ही की है। स्वागत की संविधान से यही आशय है। जब भगवान राम सबरी की कुटिया पर पहुंचते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर प्राकृतिक वातावरण बहुत ही सुंदर था। चारों तरफ फूल खिल रहे थे, उनकी सुगंध महक रही थी, पक्षी मधुर आवाज में चहक रहे थे, भंवरे जो भंवरे होते हैं वह गुंजन कर रहे थे। तो चारों तरफ का जो वातावरण था वो बहुत ही सुंदर था। तो ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति ने यह सुंदरता भगवान श्री राम के स्वागत हेतु ही की है, और प्रकृति ने यह व्यवस्था यह सुविधा भगवान श्री राम के स्वागत हेतु बनाई है। तो स्वागत कई संविधान से यही आशय है कि वह व्यवस्था भगवान श्री राम के स्वागत के लिए वह वहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता की व्यवस्था से ही स्वागत के संविधान का आशय है। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न है, द्विजगण क्या सुनाते हैं और क्यों? इसका उत्तर देखिए, द्विजगण का अर्थ होता है ब्राह्मण, ब्राह्मणों को बोलते हैं द्विज। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए क्या होगा, श्री राम और लक्ष्मण को सबरी की कुटिया में आया हुआ देखकर वन के पक्षी प्रसन्न हो जाते हैं और कलरव करने लगते हैं। तो ऐसा लगता है मानो वह उनके स्वागत में क्या कर रहे हैं, ब्राह्मणों के समान शंख की ध्वनि सुना रहे हैं, जिस प्रकार ब्राह्मण किसी महापुरुष के आने पर शंख की ध्वनि सुनाते हैं। जब कोई व्यक्ति आता है, कोई महापुरुष आता है, तो ब्राह्मण उसे शंख बजाकर उसका स्वागत करते हैं। उसी प्रकार वन के पक्षी भी भगवान श्री राम का स्वागत अपनी मधुर आवाज़ में कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था मानो कि द्विजगण क्या कर रहे हैं, शंख सुना रहे हैं वह। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, सबरी के किस भाव को देखकर श्री राम हंस पड़े? इसका उत्तर क्या होगा, राम और लक्ष्मण को अपनी कुटिया पर आया हुआ देखकर सबरी अत्यंत प्रसन्न हुई और वह चिंतित भी होने लगी कि वह उनका स्वागत किस प्रकार करे, उनकी वंदना में क्या गीत सुनाए और उनकी आरती का सामान कहाँ चलाए। सबरी की इस व्याकुलता को देखकर भगवान श्री राम हंस पड़े। ठीक है, तो जब भगवान श्री राम सबरी के आश्रम में आए थे तो सबरी अत्यंत प्रसन्न हो गई, उन्हें देखकर भाव विभोर हो गई, लेकिन उसे इस बात की चिंता भी होने लगी कि मैं भगवान का स्वागत कैसे करूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं है और ये तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, मैं इनका स्वागत कैसे करूं, मैं इनकी वंदना में क्या गीत गाऊं, मुझे तो कुछ गाना आता नहीं है और इनकी आरती का सामान कहाँ से लाऊं। तो उसकी व्याकुलता को देखकर भगवान श्री राम मुस्कुराने लगे। ठीक है, तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, सबरी ने राम लक्ष्मण को खाने के लिए क्या दिया? इसका उत्तर देखिए, जब श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ सबरी की कुटिया पर पधारे तो सबरी ने वन से चुन चुन कर लाए हुए मीठे बेर भगवान श्री राम और लक्ष्मण को खाने के लिए दिए। तो ये हमारा पांचवा प्रश्न भी हो गया। अब देखिए, इसका पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, सबरी कविता में श्री राम की छवि का वर्णन किस रूप में किया गया है? ठीक है, इसका उत्तर देखिए, सबरी कविता में श्री राम की छवि के वनवासी रूप का वर्णन किया गया। श्री राम का श्याम वर्ण है, उनके कमल के समान बड़े बड़े सुंदर नेत्र हैं, उनके सिर पर जटाओं का सुंदर मुकुट शोभामान है, वे कंधे पर धनुष बाण धारण किए हुए हैं, उनके लंबे और सुंदर हाथ हैं, वे करोड़ों सुंदरताओं से भी सुंदर हैं। इस तरह कवि ने वनवासी श्री राम के भव्य रूप का अंकन सबरी कविता में किया है। तो ये हमारे पहले इस प्रश्न का आंसर हो गया। अगला देखिए, अगला प्रश्न हमारा, राम लक्ष्मण को अपनी कुटिया पर आया हुआ देखकर सबरी की दशा कैसी हो गई? इसका उत्तर, वन में विचरण करते हुए श्री राम और लक्ष्मण सबरी की कुटिया पर पहुंच गए।
दोनों भाइयों को आया हुआ देखकर सबरी अत्यंत प्रसन्न हो गई। उसकी वाणी अवरुद्ध हो गई, वह बोल नहीं पा रही थी। वह इतनी भाव विभोर हो गई कि उसके मुख से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वह भगवान श्री राम के चरणों को पकड़कर उनके दर्शन करने लगी। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न, सबरी ने श्री राम लक्ष्मण का सत्कार किस प्रकार किया, उनका स्वागत उसने किस प्रकार किया। इसका उत्तर देखिए, श्री राम और लक्ष्मण को आया हुआ देखकर सबरी भाव विभोर होकर उनके स्वागत सत्कार में लग गई। उसने उनके बैठने के लिए स्वच्छ सुंदर मृगशाला का आसन दिया और उनके खाने के लिए अपनी कुटिया में रखे हुए मीठे मीठे बेर दिए। बेरों को खाकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत ही प्रसन्न हुए। तो ये सबरी ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण का स्वागत किया था इस प्रकार। अब देखिए अगला प्रश्न, किंतु आज जो तृप्ति कहा नहीं जाता, इस पंक्ति का केंद्रीय भाव लिखिए। तो हमें इस पंक्ति का केंद्रीय भाव लिखना है, तो उसका केंद्रीय भाव क्या है देखिए, यह पंक्ति भक्त वत्सल भगवान श्री राम के भावों को व्यक्त करती है। सबरी के स्वागत सत्कार से प्रसन्न होकर श्री राम कहते हैं कि मैंने वन में ऋषि मुनियों के आश्रमों में बहुत सम्मान प्राप्त किया है। भगवान श्री राम कहते हैं कि अभी तक मैंने वन में बहुत सारे ऋषि मुनियों के आश्रम में सम्मान प्राप्त किया है। मैं स्वागत और सम्मान से छक गया हूँ, अभी तक मेरा बहुत सम्मान हो चुका है। लेकिन हे माता सबरी, जो संतुष्टि यहाँ तुम्हारी कुटिया पर मुझे मिली है उसमें उससे मैं भाव विभोर हो उठा हूँ। वह कह रहे हैं कि आपके आश्रम में जो सम्मान मिला, जो संतुष्टि मुझे मिली है उससे मैं भाव विभोर हो चुका हूँ, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और आपके स्वागत सम्मान और संतुष्टि के कारण मेरे नेत्र मौन है, मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरा गला रुंध गया है, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है, मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, भावुकता के कारण कुछ भी कह नहीं सकता। यह भगवान श्री राम का भाव है और यही इस पंक्ति का अर्थ है। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ प्रश्न हुआ। अब इस पाठ की व्याकरण है। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम भी लिखिए। तो पहला हमारा शब्द है, सामासिक पद है पहला, कमल नयन। तो इसका समास विग्रह हुआ कमल के समान नयन। इसमें हमारा कर्मधार है, समास है। अगला है जड़ चेतन, इसका समास विग्रह होगा जड़ और चेतन। इसमें हमारा द्वंद्व समास है। अगला देखिए कृपा सिंधु, तो इसका समास विग्रह होगा कृपा के सिंधु, सिंधु यानी सागर, कृपा के सागर। तो इसका समास विग्रह क्या हो गया, कृपा के सिंधु। और इसमें है हमारा तत्पुरुष समास है। अगला है वन माली, इसका समास विग्रह होगा वन का माली, और इसमें हमारा तत्पुरुष समास है। अब देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो हमें इन शब्दों के पर्यायवाची लिखना है। पहला शब्द है हमारा गगन, इसके पर्यायवाची होंगे नव, आकाश। अगला है कमल, इसके पर्यायवाची होंगे जलज, नीरज। अगला शब्द है जननी, इसके पर्यायवाची होंगे माता, माँ। अगला हमारा शब्द है दृग, इसके पर्यायवाची होंगे नयन, लोचन। और अगला हमारा शब्द है वसंत, इसके पर्यायवाची होंगे मधुमास और ऋतुराज। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न पूरा हुआ। अब अगला प्रश्न है, सबरी कविता में भोजन भोजन बेर बेर जैसे पुण्डुक्त शब्दों का प्रयोग हुआ है, पाठ में आए इन इसी प्रकार के पुण्डुक्त शब्दों को लिखिए। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि पुण्डुक्त शब्द क्या होते हैं। पुण्डुक्त शब्द उन्हें कहते हैं, इसमें क्या होता है, दो शब्द एक साथ आते हैं, यह एक शब्दों का युग्म होता है, शब्दों का जोड़ा होता है। तो जिस शब्द युग्म में पहला शब्द ही दूसरे शब्द के रूप में प्रयोग होता है, मतलब एक शब्द दो बार आता है, जो पहला शब्द होता है जो प्रथम इकाई है वही दूसरी इकाई के रूप में आती है, मतलब पहला शब्द ही दूसरी बार आता है वह, और एक शब्दों का जोड़ा बनता है। वहाँ पर दो जाते शब्द लेकिन शब्द एक ही होता है और वही शब्द दो बार आता है। तो इस प्रकार के शब्दों को कहते हैं पुण्डुक्त शब्द। तो इस पाठ में जहाँ जहाँ ये पुण्डुक्त शब्द आए हैं उन्हें हमें छांट कर
लिखना है। तो देखिए इस कविता में कौन कौन से शब्द हैं। सभी कविता में आए पुनरुक्त शब्द इस प्रकार हैं, भर भर, पुनि पुनि, चुन चुन, नहीं नहीं, युगों युगों, खाते खाते, ला ला। तो ये इस पाठ के कुछ पुनरुक्त हमारे शब्द थे जो हमारे पूरे हुए। अब देखिए अगला प्रश्न है, बेर बेर में इन बेरों की, सबरी करता मृदुल सराह। इस पंक्ति में बेर शब्द के कौन कौन से अर्थ निकल रहे हैं स्पष्ट कीजिए। तो ये जो पंक्ति है इस पंक्ति में हमारा यमक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर बेर शब्द जो बार बार आया है बेर शब्द, और हर बार उसका अर्थ अलग अलग निकल रहा है। तो जो पहला वाला शब्द है बेर बेर, ये तो एक शब्द युग्म है, तो इसमें बेर 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 का अर्थ क्या होगा, बार बार। और अगला वाला जो शब्द है बेरों की, मतलब कि जो बेर एक फल होता है, यह इसका अर्थ है। तो इस पंक्ति में क्या है, यमक अलंकार है। और इन इस और बेर शब्द के क्या क्या अर्थ होंगे, इस पंक्ति में बेर शब्द दो अर्थ निकल रहे हैं। पहला अर्थ क्या है, बार बार, और अगला अर्थ क्या होगा, दूसरी बार जो बेर आया, बेरों की, इन बेरों की। इस बेर वाले बेर शब्द का क्या अर्थ है, एक फल, जो बेर होते हैं, बेर एक प्रकार का फल होता है, तो इसका अर्थ एक फल है। तो इस पंक्ति में यमक अलंकार है, क्योंकि यमक अलंकार नहीं होता है जब किसी काव्य पंक्ति में, या जब किसी काव्य में कोई शब्द बार बार आता है और हर बार उसका अर्थ अलग निकलता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इस प्रकार इस पंक्ति में यमक अलंकार है, और हमने इसका अर्थ भी देख लिया। तो इस प्रकार हमारा इस पाठ के अभ्यास प्रश्न यहाँ पर पूरे होते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले पाठ में, अगले वीडियो में, अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।